दोस्तों, मैं आज एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपको विश्वास ना हो। आप सभी लोगों ने स्त्री फिल्म तो देखी ही होगी। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित होकर बनी फिल्म है। स्त्री फिल्म से ज़्यादा डरावनी थी इसकी असली कहानी। जानिए कैसे मर्दों को शिकार बनाती थी ये भूतनी, जो सिर्फ पुरुषों को गायब करती थी, सिर्फ उनके कपड़े रह जाते थे। उससे बचने के लिए लोग अपने घर के बाहर "ओ स्त्री कल आना" लिखते थे। यह घटना 1990 में बेंगलुरु के कई हिस्सों में घटी थी और इसे नालेबा मतलब कल आना के नाम से जाना जाता है। यह कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका हिंदी मतलब होता है कल आना। इस घटना की शुरुआत बेंगलुरु के एक छोटे से गांव से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह पूरे शहर में फैल गई थी। इस घटना में एक चुड़ैल लोगों के घरों का दरवाज़ा खटखटाया करती थी और घर के किसी सदस्य की आवाज़ में लोगों से उनका दरवाज़ा खोलने को बोलती थी। अगर कोई दरवाज़ा खोल लेता था तो उसकी 24 घंटे में मौत हो जाती थी। शुरुआत में गांव के लोगों ने इस घटना के ऊपर विश्वास नहीं किया और इसे बस एक अफवाह बताया, लेकिन कुछ ही दिनों में इस घटना से शिकार हुए लोगों की अनेकों खबरें आने लगी। इसके बाद गांव के लोगों में इस चुड़ैल का एक खौफ बैठ गया था। इस चुड़ैल के डर से लोगों ने रात को ज़्यादा निकलना बंद कर दिया था और चाहे कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। शाम होने के बाद बेंगलुरु का यह गाँव एकदम वीरान सन्नाटा छा जाता। फिर भी बहुत सी लोगों की रहस्यमय मौतें हुआ करती थी। इन सब का जिम्मेदार गांव वाले उस चुड़ैल को मानते थे। फिर गांव के लोगों ने इस चुड़ैल से बचने के लिए एक तरकीब निकाली। इस तरकीब में गांव के लोगों ने अपने घर के दरवाजे के ऊपर कन्नड़ में नाले वाली देते थे, जिनका हिंदी मतलब होता था कल आना। उन घरों के बाहर से उस चुड़ैल की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। बहुत से लोगों ने इस घटना को महज एक अफवाह बताया था, लेकिन उन रहस्यमय मौतों के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। बेंगलुरु की यह घटना इतनी ज़्यादा मशहूर हुई कि यहाँ के लोग 1 अप्रैल को नालेबा दिवस मनाते हैं। इस घटना पर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम स्त्री है। आपको क्या लगता है, यह घटना कितनी सत्य है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।